मूवी की शुरुआत में हम साउथ अफ्रीका के एक घने जंगल को देखते हैं, जहां पर दो फॉरेस्ट ऑफिसर नदी के किनारे अपनी छोटी सी बोट से पेट्रोलिंग कर रहे थे। इनके नाम थे गैबी और विंस्टन। विंस्टन इस नाव को चला रहा था और गैबी ड्रोन से जंगल में नजर रखे हुए थी। गैबी उस ड्रोन को और घने जंगल में ले जा रही थी, जहां पर उसे एक अजीब सी परछाई नजर आती है जो किसी इंसान की थी, और वो गैबी के ड्रोन को तोड़ देती है। फिर गैबी विंस्टन से उस ड्रोन को ढूंढने जाने को कह रही थी, लेकिन उसे आगे जंगल के कैमरास चेक करने थे, इसीलिए वो गैबी को अकेले जंगल में छोड़कर खुद आगे निकलने वाला था, और गैबी उसे कहती है कि वो उसे लौटते समय वापस ले जाए। जिसके बाद में विंस्टन वहां से आगे चला जाता है और हम देखते हैं कि दो जंगली लोग ड्रोन को अपनी पीठ पर उठाकर कहीं पर ले जा रहे थे, और फिर वे जंगल में ही जानवरों को पकड़ने के लिए लकड़ियों से ट्रैप लगाते हैं। वे जंगल के कैमरास को मिट्टी से ढक देते हैं ताकि उनकी एक्टिविटीज़ कैमरा में रिकॉर्ड ना हो, और जब विंस्टन कैमरा चेक करता है तो उसे कैमरा पर मिट्टी मौजूद मिलती है। अब ये दोनों जंगली लोग जंगल में कुछ खाने के लिए कीड़े पकड़ते हैं और अपने पास से एक मशरूम निकालकर उसके पोर्स को सब दूर फैला देते हैं और खुद अपनी नाक बंद कर लेते हैं ताकि उनकी नाक में मशरूम के पोर्स ना घुसे। और इन पोर्स से होता यह है कि जमीन पर पड़ी प्लास्टिक की थैली उड़कर ऊपर आती है, जिसे एक आदमी उठाकर अपने पास रख लेता है। अब गैबी को अपना ड्रोन कहीं पर भी नहीं मिलता और वो हार मानकर विंस्टन को वापस बुलाती है, लेकिन विंस्टन का रेडियो फोन पानी में गिर जाता है और वो अब ठीक से काम नहीं कर रहा था। गैबी को जंगलों में किसी के होने का एहसास हो रहा था और वो घबराकर जल्दी जल्दी चलती है और उसका पैर उसी ट्रैप में फंस जाता है जो उन दोनों जंगली आदमियों ने लगाया था। इस ट्रैप से एक नुकीली लकड़ी सीधा गैबी के पैर में आकर धंस जाती है और वो पूरी उसके पैर के आर पार हो गई थी। गैबी जोर से चिल्लाती है और विंस्टन को मदद के लिए बुलाती है, लेकिन रेडियो फोन ठीक से काम नहीं कर रहा था। फिर गैबी जैसे तैसे उस लकड़ी को अपने पैर से खींचती है तो उसकी इतनी भयानक चीख निकलती है जो कि विंस्टन तक पहुंच जाती है, और विंस्टन तुरंत गैबी की ओर आगे बढ़ता है। फिर धीरे धीरे अंधेरा हो रहा था और गैबी जैसे तैसे आगे बढ़ रही थी। उसे लाल रोशनी दिखाई पड़ती है जिसके पीछे पीछे वो एक लकड़ी के पुराने घर में जा पहुंचती है जो कि खाली था, और वहीं अंदर थोड़ा आराम करने के लिए रुकती है क्योंकि गैबी के पैर का घाव बहुत ज़्यादा बड़ा था। और फिर गैबी की ऐसे ही नींद लग चुकी थी और वो एक सपना देखती है जिसमें उसके हाथ से कुछ बाहर आ रहा था कि तभी वहाँ वही दोनों जंगली लोग आते हैं जिनके ट्रैप में गैबी फंसी थी। वो गैबी पर हमला करके उसे यहाँ आने का कारण पूछते हैं और देखते हैं कि उसके पैर में चोट लगी हुई है। इधर विंस्टन गैबी को ढूंढने में लगा हुआ था और उससे जंगल में अजीब अजीब आवाज़ें आ रही थी, जिससे वो बहुत डर जाता है और देखता है कि एक बहुत अजीब सा क्रिएचर उसके तरफ आ रहा है और वो उससे भागने की कोशिश करता है। फिर सीन यहीं पर कट होता है और हम देखते हैं कि गैबी उन्हीं लोगों के साथ में है। वे गैबी का इलाज कर रहे हैं। उस जंगली आदमी का नाम बैरन और उसके बेटे का नाम स्टीफन था। ये गैबी को यहाँ पर खाना खिलाते हैं, जिसके बाद में गैबी सो जाती है। यहाँ पर विंस्टन उन क्रिएचर से छुप रहा था और पेड़ों से कोई चीज़ उसके नज़दीक आ रही थी जो कि उसके शरीर में धीरे धीरे घुसती जा रही थी, और फिर विंस्टन की पूरी बॉडी से पेड़ पौधे बाहर आने लगे थे। फिर ये सीन यहीं पर कट होता है और अगले सुबह बैरन और स्टीफन गैबी के पैर पर कोई लेप लगा रहे थे। स्टीफन उसे पट्टी बांधते वक्त उसके पैरों को देखता है और उसे छूने की कोशिश करता है, जैसे कि उसने किसी लड़की को पहली बार टच किया हो, और फिर वो अपने पिता के साथ में शिकार पर निकल जाता है। गैबी अभी भी नींद में थी। वो फिर से सपना देखती है कि उसके हाथ से फंगस बाहर आ रही है, जिसके बाद में गैबी उठकर आग जलाती है ताकि वहाँ से धुआं निकले और उसे ढूंढने वाले लोग वहाँ तक पहुँच जाए। वो विंस्टन को रेडियो फोन से कम्युनिकेट भी करती है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। उसे उस फोन में से अजीब अजीब आवाज़ आ रही थी, जिसके बाद में वो उस केबिन में एक लकड़ी के नीचे एक लेडी का फोटो देखती है जो कि बैरन की वाइफ हो सकती थी। इधर जंगल में बैरन और स्टीफन एक जंगली सुअर को मारते हैं और उसे मारने पर वो मदर नेचर से माफ़ी मांगते हैं कि वो बस अपनी ज़रूरतों के लिए उसे खा रहे हैं। फिर वो केबिन से निकलता हुआ धुआं देखते हैं और वो तुरंत घर पहुँच कर उस आग को बुझाते हैं और गैबी से कहते हैं कि यहाँ पर दिन में आग न लगाई जाए। अब रात हो चुकी थी और रात के समय बैरन फिर गैबी के पैर में लेप लगाता है और गैबी उससे उसके और उसकी पत्नी के बारे में पूछती है। बैरन गैबी को बताता है कि वो एक साइंटिस्ट है जो कि प्लांट्स पर रिसर्च करता है, और उसकी बीवी एक केमिकल इंजीनियर थी जो कि बोन कैंसर से 13 साल पहले मर गई। वे दोनों आखिरी बार इस केबिन में मिले थे जहां पर उसे स्टीफन हुआ, और वो 13 सालों से यहीं पर है क्योंकि वो यहां पर मदर नेचर से मिल चुका है। गैबी को बैरन की बातों का विश्वास नहीं होता और बैरन उसे उसके पैर का जख्म दिखाता है जो कि अब भर चुका था।
जबकि घाव का इतनी जल्दी भर जाना नामुमकिन था। अब रात होती है और सभी सो रहे थे कि तभी अचानक से कोई चीज़ गैबी के बहुत नज़दीक आ रही थी, जिसे बैरन समझ जाता है और गैबी को अपने ऊपर मिट्टी लगाने को कहता है ताकि वो उसे पहचान न सके। ये वही क्रिएचर थे जो कि जंगल में थे और गैबी को मारने के लिए आए थे, जो किसी को दिखाई नहीं देते। ये क्रिएचर ना तो सुन सकते थे और ना ही देख सकते थे, ये बस आवाज़ों का पीछा करते हैं। गैबी डर के मारे जोर से चिल्ला देती है, जिससे कि गैबी के पीछे आते हैं और बैरन और स्टीफन उस क्रिएचर को अपने चाकू से मार देते हैं। ये क्रिएचर दिखाई तो नहीं देते, लेकिन इनका पूरा खून गैबी के ऊपर गिर गया था। स्टीफन तुरंत गैबी के सारे कपड़े उतार कर उस क्रिएचर का खून साफ करता है और गैबी के कपड़ों को जला देता है। और बैरन बताता है कि ये एक तरह की फंगस है जो कि इंसानों के अंदर घुसकर उनके अंगों की जगह ले लेती है, और इनमें से ही एक गॉड है जो कि दुनिया का सबसे बड़ा जीव है। एक फंगस जो कि इस जंगल के नीचे है वो तब से है जब इंसान एक बंदर था, और बैरन इसी को भगवान मानता है। फिर रात के समय गैबी को फिर से यह सपना आता है कि फंगस उसके पास आ रही है, और ये सच भी था क्योंकि गैबी उस क्रिएचर के खून से इन्फेक्ट हो चुकी थी। अब नेक्स्ट डे गैबी स्टीफन को अपने फ़ोन में कुछ इमेजेस दिखाती है, और स्टीफन पहली बार किसी फ़ोन और फोटो को देखकर चौंक जाता है। स्टीफन को गैबी पसंद आने लगी थी, लेकिन बैरन ये सब देख लेता है और गैबी का फ़ोन फेंक देता है क्योंकि वो नहीं चाहता था कि स्टीफन बाहरी दुनिया के बारे में जाने। जिसके बाद में बैरन और स्टीफन बीच जंगल में जाते हैं, और एक बड़े से पेड़ को बैरन एक मांस का टुकड़ा ऑफरिंग के रूप में चढ़ाता है, और देखते ही देखते इस मांस के टुकड़े में फंगस लग गई थी। और फिर बैरन उस पेड़ के अंदर हाथ डालकर वहां पर क्रिएचर का खून चढ़ाता है, जिससे कि वो पेड़ कुछ मशरूम उगा देता है, और बैरन और स्टीफन दोनों उस पेड़ द्वारा दिए गए मशरूम को खाते हैं। और हम देखते हैं कि मशरूम को खाते ही बैरन के हाथ के घाव अपने आप ठीक होने लगे थे। इधर गैबी के हाथ से भी अब फंगस बाहर आ रही थी, और अब बैरन उसे वापस शहर छोड़ने वाला था, लेकिन उन्हें ये पता था कि गैबी फंगस के चपेट में है और जल्दी ही उसका हाल भी विंस्टन के जैसा होने वाला है। अब लौटते समय गैबी को विंस्टन की टॉर्च दिखाई देती है, और वो उसे ढूंढने जाती है, और आगे चलकर वो देखती है कि विंस्टन एक पेड़ के पास पड़ा हुआ है और उसकी पूरी बॉडी में फंगस उग रही है। विंस्टन जिंदा तो था, लेकिन बहुत ही ज़्यादा दर्द में। वो गैबी से खुद को मारने के लिए कहता है, लेकिन गैबी ऐसा नहीं चाहती थी। बैरन उसे मारने वाला था, लेकिन गैबी उसे रोक देती है, और विंस्टन खुद ही उसके तीर को अपने मुँह में लेकर सिर के आर पर घुसा लेता है और मौत की नींद सो जाता है। फिर वो क्रिएचर्स गैबी की आवाज़ सुन लेते हैं और उन्हीं की तरफ आते हैं, जिससे भागकर ये वापस अपने कैबिन में पहुंचते हैं। अब रात के समय गैबी देखती है कि उसकी थाई पर भी धीरे धीरे फंगस उग रही है, और वो समझ चुकी थी कि वो भी इन्फेक्टेड है। वो बैरन से इसकी दवाई मांगती है, लेकिन वो कुछ नहीं कहता, और वो उस पेड़ से प्रार्थना करने के लिए निकल जाता है। गैबी स्टीफन से उसकी माँ के बारे में पूछती है, और वो बताता है कि वो जिंदा है और जंगल में रहती है। इधर बैरन फिर पेड़ के पास जाकर मांस ऑफर करता है, लेकिन इस बार वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। और अगले सुबह बैरन स्टीफन को मशरूम खिलाता है जो कि उसे पेड़ से मिला था, लेकिन स्टीफन उसे गैबी को खिला देता है, और उसे खाते ही गैबी की फंगस ठीक हो रही थी। बैरन गैबी से वापस जाने के लिए पूछता है, लेकिन गैबी उससे कहती है कि वो वापस नहीं जाना चाहती और वो यहीं रुकेगी। जिसके बाद में स्टीफन उसे तीर चलाना और शिकार करना भी सिखाता है, और फिर स्टीफन उसे उस पेड़ के पास ले जाता है जहाँ पर बैरन जाता था। वो बड़ा सा पेड़ एक लड़की के फिगर में था जो कि स्टीफन की माँ थी। बैरन ने अपनी पत्नी को नेचर को सौंप दिया था ताकि वो जिंदा रहे, और वो बैरन की अब मदद करती थी। केबिन के अंदर गैबी बैरन के लिखे हुए नोट देख लेती है, जिसमें उसने नेचर से अपनी पत्नी को जिंदा रखने का सौदा किया था, और स्टीफन उन नोट्स को कभी पढ़ ही नहीं सकता था क्योंकि बैरन ने उसे कभी पढ़ना सिखाया ही नहीं। गैबी स्टीफन को अपने साथ में शहर ले जाने को कहती है, लेकिन बैरन ऐसा नहीं चाहता था क्योंकि शहर की जिंदगी ने उसकी पत्नी को बस कैंसर दिया और नेचर ने उसे जिंदगी। गैबी ये सब नहीं मानती, और फिर रात के समय बैरन और स्टीफन उसे नेचर की दुनिया में ले जाते हैं, जहाँ पर वो खुद नेचर को छूकर देखती है। वहाँ पर उसे ब्रेंडन भी दिखता है जो कि उसकी वाइफ यानी कि पेड़ के साथ में फिजिकल रिलेशनशिप बनाता है, और स्टीफन गैबी के साथ में। और फिर गैबी वहाँ पर यह भी देखती है कि स्टीफन के मुँह में तीर लगा है और वो मर चुका है। गैबी को जब होश आता है तो उसे लगता है कि वो कई दिनों तक बेहोश थी, लेकिन असल में वो बस 15 मिनट के लिए ही बेहोश थी। उसे ये पता लग गया था कि जो पेड़ उन्हें बचाता था ऑफरिंग के बदले, वो अब स्टीफन की बलि मांग रहा था, और ये बात बैरन को भी पता थी।
अगले दिन गैबी स्टीफन को अपने साथ में शहर ले जाना चाह रही थी, लेकिन बैरन स्टीफन से कहता है कि उसकी माँ उसे यहाँ से नहीं जाने देगी, जिसे सुनने के बाद में स्टीफन वहीं पर रुक जाता है और बैरन उसे अपने साथ में ले जाता है उसकी बलि देने के लिए। गैबी उसे बचाने जाती है और उसके पीछे कई सारे क्रिएचर्स पड़ जाते हैं, लेकिन गैबी उनसे बचकर बैरन को तीर मारकर उसे घायल करती है और स्टीफन पहले क्रिएचर को मारता है और फिर अपने पिता को मदर नेचर के हवाले कर देता है, जिसके बाद में स्टीफन और गैबी दोनों अपने केबिन में आते हैं ताकि वो इन्फेक्टेड ना हो। और फिर अगेन गैबी एक सपना देखती है कि फंगस उसके पैरों के बीच से उसके शरीर के अंदर घुस रही है और हम देखते हैं कि बैरन के ऊपर भी अब फंगस लग गई थी। बैरन खुद का खून नेचर को ऑफर करता है, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होता, उसे कोई भी इलाज नहीं मिलता। और फिर इलाज न मिलने के कारण गैबी भी अब धीरे धीरे फंगस की चपेट में थी, उसकी पूरी बॉडी से फंगस निकल रही थी और वो स्टीफन से खुद को मारने को कहती है, जिसके बाद में स्टीफन उससे आई लव यू बोलकर वहाँ से चला जाता है। और हम ये देखते हैं कि गैबी अब पूरी तरह से फंगस की चपेट में है और इन जंगलों में पूरी तरह से समा गई है। मूवी के आखिरी सीन में दिखाया जाता है कि स्टीफन एक रेस्टोरेंट में कुछ खा रहा था और उसके जाने के बाद में उसके छोड़े हुए खाने में तुरंत फंगस लग जाती है, मतलब कि स्टीफन भी अब इन्फेक्टेड था। और इसी के साथ ये मूवी भी यहीं पर एंड हो जाती है। दोस्तों, ये मूवी में मदर नेचर को जिंदा बताया गया है, जहाँ पर बैरन अपनी वाइफ को जिंदा रखने के लिए नेचर से सौदा करता है, लेकिन यहाँ भी नेचर के अच्छे प्राणी के साथ साथ कुछ क्रिएचर भी थे जो कि फंगस फैलाते थे, जिसका इलाज नेचर के पास में था, लेकिन उसे इसके बदले स्टीफन की बलि चाहिए थी, लेकिन बलि न देने के कारण किसी को भी इलाज नहीं मिलता और ये इन्फेक्शन बस बढ़ता जाता है। आई होप दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपना कीमती लाइक ज़रूर करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि जल्द ही ऐसे कई सारे वीडियोज़ आने वाले हैं।